हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस वीडियो में स्वागत है। संस्कृत श्लोकों का हमारे जीवन में बहुत ही अधिक महत्व है। सुभाषित श्लोक दिशाहीन मनुष्य को दिशा प्रदान करते हैं तथा जीने की नीतियाँ और उनके ज्ञान में से उसको प्रवीण कराते हैं। श्लोकों का अध्ययन करके मनुष्य अपना तथा अपने निकट समाज का समय तथा सर्वांगीण विकास कर सकता है। यहाँ पर मैं कुछ श्लोक जो छात्रों के लक्ष्यों की ओर आकर्षित करते हैं उसके बारे में कुछ श्लोक लेकर आया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला श्लोक है, का चेष्टा वको ध्यानम स्वानिद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। अर्थात एक छात्र को कैसा होना चाहिए, कौवे जैसा प्रयत्न करना चाहिए, बगले जैसा उसको ध्यान करना चाहिए। क्यों ऐसा कहा कि कौवा जो है अपने प्रयास बार बार करता रहता है और बगला आप देखते होंगे मछली पकड़ता है तो बहुत ध्यान से बैठा रहता है, मछली को भनक भी नहीं लगती कि कब वो उसका शिकार हो जाती है। कुत्ते जैसे नींद क्यों कही गई है, क्योंकि कुछ भी अगर उसको लगता है तो तुरंत उठ जाता है। काम खाना और घर को छोड़ देना विद्यार्थी के ये पांच लक्षण होते हैं, कौवे जैसा प्रयत्न, बगले जैसा ध्यान, कुत्ते जैसे नींद, कम खाना और घर को छोड़ देना विद्यार्थी की ये पांच लक्षण इस श्लोक में बताए गए हैं। अष्टादशो प्राणेषु व्यासस्य वच्छद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम् परपीडनम्। अर्थात 18 पुराणों में व्यास जी के दो वचन सार के हैं, परोपकार करो तो पुण्य के लिए करो, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप के लिए है। विद्युत्तम च निपत्तम च नैव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान होना और राजा होना कभी भी एक समान नहीं, क्योंकि राजा की पूजा तो केवल अपने राज्य में होती है, बल्कि विद्वान की सब जगह होती। एके नाप सुपुत्रेण सिंह स्वपेति निर्भयम् सहयो दश भी पुत्र है भारम वहते नास भी। अर्थात एक अच्छा पुत्र होने से शेरनी वन में निडर होकर सोती है, परंतु गधी दासियों पुत्रों के होने पर भी बोझ होती है। उद्यमेन ही सिद्धयन्ति कार्याण न मनोर्भव ना ही सुतप्से सिंहस्य प्रवसन्ति मुखे मृगा। कार्य परिश्रम से ही पूर्ण होते हैं, मन में सोच लेने से भी नहीं। जैसे सोते हुए सिंह की मुंह में हिरणी नहीं आते, उसे शिकार करना ही पड़ता है। गच्छन पीपल को यति योजना नाम पता न प्यो अगच्छन वैन तो अपि पदमेकम ना गच्छति। अर्थात चलती हुई चींटी भी सैकड़ों योजन चली जाती है, जबकि ना चलने वाला गरुड़ एक कदम भी नहीं चल पाता। अभिवादन शैलस्य नित्यम वृद्धो पर वृद्धोक्षेविनः चात्वार तस्य वदन्ति आयु विद्याए सोबलम। अर्थात सभी को प्रणाम करने वालों और वृद्धों के नित्य सेवा करने वाले पुरुषों की आयु विद्या यश और बल ये चारों वस्तुएं बढ़ती हैं। अपिस्वर्ण मई टंका नामे लक्ष्मण रोचते जन्मी जन्म मुश्च स्वर्ग गरीयसे। हे लक्ष्मण, यद्यपि अलंका सोने की है,
फिर भी यह मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होते हैं। दीपो भक्षते भक्ष्यते भ्रांतम कज्जलम चा प्रस्यते नित्यम भक्ष्यते नित्यम जायते तादशी प्रजा। जिस प्रकार दीपक अंधकार को खत्म करके नष्ट करके काजल पैदा करता है, उसी प्रकार अन्न खाया जाता है, उसी प्रकार संतान पैदा होती है। मतलब आप जैसा खाएंगे उसी प्रकार से संतान पैदा हो। सत्यम प्रियात प्रियम प्रियात प्रियात सत्य प्रियम प्रियम चा नार्तम प्रियादेश धर्मा सनातन। सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए और प्यारा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। आपको ये श्लोक कैसे लगे आप हमें कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। धन्यवाद।